जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिषात्मक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। अब आप हमें सर्च कर सकते हैं एस्ट्रो संध्या सक्सेना के नाम से यूट्यूब के अलावा नेट पे, गूगल पे। मेरी साइट बन चुकी है जिसपे काम चल रहा है। इसमें आपको मेरे दोनों ही चैनल ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष और माँ लक्ष्मी ज्योतिष दोनों का पूरा डिटेल मिल जाएगा। साथ में आप मुझे सुबह फ्राइडे सैटरडे संडे और इवनिंग में भी तेज चैनल जो है आज तक का पैटर्न उस पर भी चेक कर सकते हैं। उसमें मेरे प्रोग्राम्स आते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है आप मुझे एक से अधिक चैनलों पर देखें। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक समस्या का समाधान लेके आई हूँ। ये उन सभी लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें दुश्मनों ने परेशान कर रखा है, लेकिन कैसे वो भी बताऊँगी। लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, मैक्सिमम जितना आप शेयरिंग कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। बेल आइकन दबा देंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह से समस्या है तो आप मुझे 8126476099 8126476099 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने अपना स्टाफ बढ़ा दिया है तो आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आज हम बात करें, यदि आपकी एनिमीज़ बढ़ गई हैं, चाहे आप प्रेम में रोड़ा पड़ रहे हो, आपके माता पिता या उसके माता पिता या रिश्तेदार या कोई और लड़का लड़की, चाहे आपको ऑफिस में दिक्कत आ रही हो, चाहे जॉब में दिक्कत आ रही हो, अगर आप ये हैं कोई पॉलिटिशियन है आपको वहाँ दिक्कत आ रही है, यानी कि लाइफ में जब भी कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आपको ये छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इसको करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। करना क्या है अब बता देती हूँ। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, उसके लिए इस उपाय को करना है, आपको लेने हैं 7 नींबू। क्या लेंगे आप? 7 नींबू लेंगे बेदाग। हरे नींबू भी ले सकते हैं, पीले नींबू भी ले सकते हैं। अब आपको जिस व्यक्ति से भी समस्या है या अगर आप किसी और के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि एक लड़की है उसने मुझे फ़ोन किया था, उसका जो फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड जो है, उसको जेल हो गई है किसी कारण से, ठीक है। और एक लड़की ने और फ़ोन किया था, वो भी इसी से परेशान है। उसका बॉयफ्रेंड जेल से तो बाहर आ चुका है, लेकिन जिस कारण से वो जेल गया था वहाँ पर उस लड़की की उसे दिक्कत आ रही, किसी और लड़की की उसे दिक्कत आ रही, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, ना हम ना नाम ले रहे हैं ना हम किसी का स्थान बता रहे हैं, मतलब समस्या जिसकी जो भी है एक्स वाई जेड। तो करना क्या है? 7 नींबू लेने हैं और भगवान काल भैरव का नाम लेते हुए आसमान, खुले आसमान के नीचे चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को फैला के उसमें 7 नींबू रखकर और 35 लौंग फूल वाली रख लेनी है, वो लेकर आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का या मेरे पति का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ, मेरी अमुक मनोकामना है, अमुक व्यक्ति जिसका जीना, जिसने मेरा जीना हराम कर रहा है, कर रखा है, अगर उसके पिता माता का नाम पता हो तो वो भी बताएंगे, वरना स्थान बताकर उसको मेरे जीवन काल से दूर कर दीजिए, वो मेरे जीवन से हट जाए, या मैं अमुक पूजा हूँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ, या मेरे अपने फ्रेंड के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, पति के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए भी कर रहा हूँ, उसको हमारे जीवन काल से दूर कर दीजिए, उसको उसके जीवन से दूर कर दीजिए। इससे मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो मेरी रक्षा करें, मदद करें काल भैर बाबा और हमें इस चीज़ से दूर करें। अगर आप किसी कारण से इसको ग्रहण वाले दिन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको 7 शनिवार भी करोगे, ठीक है। अगर आप 7 शनिवार लगातार नहीं कर सकते तो 3, 5, 7 जो आपको, अगर आपको 3 शनिवार में बेनिफिट मिल जाता है तो फिर मत करना आगे। औरतें जो हैं, लड़कियां हैं, उनका सर्कल पड़ जाता है, इसलिए वो 3, 5, 7 जैसे भी कर सकती हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, संकल्प ले लिया, खुले आसमान के नीचे करेंगे, भगवान जो भैरव हैं उनकी कोई भी स्तुति उठा लेंगे, चाहे आप उनकी 40 पढ़ लें, चाहे आप उनकी स्तुति कर लें, चाहे उनका स्त्रोत पढ़ लें, जो आपको इजिली अवेलेबल हो, कोई उसको उठाना है आपको। तो हम मान के चलते हैं कि आप भगवान का स्त्रोत पढ़ लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, स्त्रोत पढ़ना है भगवान माँ काल भैरव का और संकल्प तो आपने ले लिया है। अब आपको 1 नींबू लेना है, पहला उठाना है, पिन से छेद करने हैं 5, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं के हिसाब से पिन में छेद करेंगे और उसके बाद एक टॉप पे कर देंगे, 5 कर दीजिएगा। अब क्या करनी है, पहली लौंग लेनी है, उस लौंग पे आपको भगवान का पूरा स्त्रोत पढ़ के उसको गाड़ देना है, फिर दूसरा स्त्रोत पढ़ के गाड़ देना है, तीसरा स्त्रोत पढ़ के गाड़ देना है, 5 हो जाएगा।
फिर दूसरा नींबू पे भी इस तरह से स्त्रोत पढ़ के गाड़ देना है, स्त्रोत पढ़ के गाड़ देना है, तो 10, 15, 20, तो 7×5=35, इस तरह से टोटल आपके 35 स्त्रोत होंगे 35 लौंगों पे, 35 लौंग्स पे, बहुत बड़ा लेकिन बहुत ज़बरदस्त उपाय है, ठीक है। उसके बाद इसको अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार आप उल्टा उतारेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जो भी किया कराया है ख़त्म हो जाए, और जिसने भी किया कराया है वो भी ख़त्म हो जाए, और जो मेरे काम में मुझे परेशान कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए। इतना करने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि यदि आप जिगर वाले हैं, आपने रात को प्रयोग किया है, खुले आसमान के नीचे किया है, तो बस उसी समय घर से बाहर निकलिए, या तो शमशान घाट में या कब्रिस्तान में या किसी निर्जन स्थान में जाके गाड़ के आ जाओ सारे के सारे नींबू। दूसरा ये है कि आप घर पे रहते हो, आपको पता है जी घर वाले कच्चा खा जाएंगे, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप ये सारे के सारे नींबू जो हैं एक पन्नी में बंद करेंगे। कौन सी पन्नी? काले रंग की पन्नी में, और उसके अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे। सुबह आप इसको अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उतार के उल्टा, और जाके इसको किसी भी निर्जन स्थान में, पन्नी हटा देना किसी भी निर्जन स्थान पे या किसी कब्रिस्तान में, शमशान में, जहाँ आपको इजीली अवेलेबल हो, वरना नदी के किनारे गड्ढा खोद के सारे नींबू गाड़ देना है। बिना पलटे वापस आना है, पलट के मत देखना, घर आके हाथ पर धो लेना, फिर अपने काम पे जहाँ भी जाना निकल जाना। छोटा सा उपाय है, लेकिन उम्मीद रखना कि इस उपाय से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपके जो भी काम में दिक्कत परेशानी आ रही है, जिन लोगों की वजह से दिक्कत आ रही है, वो आपके जीवन से हट जाएंगे। आप इस प्रयोग को न्यूनतम 3 बार कर सकते हैं। अब आप बोलोगे वो कैसे? आज कर सकते हो, सॉरी 5 तारीख को कर सकते हो क्योंकि उस दिन ग्रहण है, 21 से 22 तारीख को सूर्य ग्रहण है, उस दिन भी कर सकते हो। अच्छा, इसको ड्यूरिंग ग्रहण पे ही करना है, यानी कि ग्रहण जो है रात को 8 बजे से होगा, नहीं 11 बजे के आसपास, 11:15 बजे ग्रहण स्टार्ट होगा रात्रि में, अगले दिन सुबह 2 बजे तक रहेगा, तब कर सकते हैं, रात में ही करना है, ठीक है। और दूसरा फिर आप इसको, सूर्य ग्रहण पड़ेगा 21 तारीख के आसपास, 21 से 22 में पड़ेगा, क्योंकि 5 में 15 प्लस कर दो तो कितना आया, 20 या 21 तारीख के आसपास फिर से ग्रहण पड़ेगा, लेकिन वो सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन है अमावस्या, उस दिन आप इसको रिपीट करेंगे, लेकिन उस दिन दिन में होगा क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण है, उस दिन दिन में होगा, तो 2 बार तो आपके तभी हो गए, 2 बार कर लोगे, ठीक। और बीच में आप जो है किसी शनिवार को कर सकते हो। अच्छा, वैसे भी अगर आपको ये ग्रहण की बात ना हो तो आप अमावस और पूर्णमासी पे कर सकते हैं, लेकिन फुल मून यानी कि पूर्णमासी में रात्रि में ही करना है, खुले आसमान के नीचे, और अमावस में भी खुले आसमान के नीचे करोगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। नहीं कर सकते तो फिर अपने घर के अंदर बैठ के कर लो, वो आपकी दूसरा ऑप्शन है। और अदर्स में आप उसको 3 सैटरडे लगातार भी कर सकते हो अगर आपको इंस्टिट्यूट कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। और साथ में बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो आपका उपाय हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में कम से कम 3 भैरव 40 रात को सोते समय पढ़ के सोनी है, और सुबह उठते ही 3 गणेश 40 पढ़नी है, तब जाके आपको और भी अच्छा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा प्रेयर्स भगवान की ही देती हूँ, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई समस्या हो तो आप संध्या सक्सेना से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप ताप तेज पे भी देख रहे हैं मुझे, आप मेरा चैनल को देख भी रहे हैं, सराह रहे हैं, मेरे मैक्सिमम वीडियोज़ को आप शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरा कोई भी उपाय फ्री मत कीजिएगा, इसलिए किसी को भी दान धुन पुण्य कर दीजिएगा, कुछ भी 100, 50, 500, 1000 जो भी आप किसी को देना चाहें, वरना आप मेरे पेटीएम नंबर पर या मेरे अकाउंट में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए 8126476099 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कोई समस्या हो तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।